भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि ऋषभ पंत टीम इंडिया के अगले टेस्ट कप्तान बनने के लिए सबसे ज्यादा योग्य खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं और जल्द ही इस फॉर्मेट से भी संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। T20 इंटरनेशनल से वो पहले ही संन्यास ले चुके हैं। टेस्ट में रोहित शर्मा अब बल्ले से भी रन बनाने में नाकाम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत फिलहाल टेस्ट में भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं और वो इस फॉर्मेट में कप्तानी के लिए टॉप दावेदारों में से एक हैं। हालांकि देखने वाली बात ये है कि चाहे वो भारत न्यूजीलैंड सीरीज हो या फिर आगामी भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है। ऋषभ पंत सितंबर में सबसे लंबे फॉर्मेट में वापसी के बाद से शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं और हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 पारियों में 261 रन के साथ सीरीज के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। ऋषभ पंत के प्रदर्शन से प्रभावित कैफ को लगता है कि ये 27 वर्षीय बल्लेबाज भारत का अगला टेस्ट कप्तान बनने की दौड़ में सबसे आगे है। मोहम्मद कैफ ने विदेशी परिस्थितियों में ऋषभ पंत के प्रदर्शन के लिए भी उनकी सराहना की, साथ ही ये भी बताया कि भारतीय पिचों पर भी ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी करने में सक्षम है। उन्होंने कहा, मौजूदा टीम में सिर्फ ऋषभ पंत ही टेस्ट कप्तान बनने की दौड़ में है, वो इसके योग्य है। जब भी खेलने उतरते हैं भारतीय टीम को सामने रखते हैं, वो जिस भी नंबर पर खेलने आते हैं वो मैच जिताऊ पारी खेलने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने सभी तरह से हालात में रन बनाए हैं, चाहे वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका हो, चाहे गेंद खूब सीम हो रही हो या स्पिन हो रही हो, वो एक पूर्ण बल्लेबाज हैं। कैफ ने ऋषभ पंत के विकेट कीपिंग की भी प्रशंसा की। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का सामने वाली टीम पर प्रभाव का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा, जब ऋषभ पंत अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे होंगे तो वो एक महान खिलाड़ी के रूप में संन्यास लेंगे। उन्होंने दिखाया है कि उनकी कीपिंग में काफी सुधार हुआ है। जब तक वो क्रीज पर थे न्यूजीलैंड ने चैन की सांस नहीं ली थी, इसलिए मेरा मानना है कि यदि आप फ्यूचर के कैप्टन की तलाश कर रहे हैं तो ऋषभ पंत रोहित शर्मा के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। अपनी वापसी के बाद ऋषभ पंत घरेलू सीजन के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 10 पारियों में 46.88 की औसत और 86.47 के स्ट्राइक रेट से 422 रन बनाए हैं। इनमें 3 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है। अब तक ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में शानदार शतक भी जड़े हैं और अपनी बल्लेबाजी कौशल साबित की है। उन्होंने टेस्ट में धोनी के साथ एक भारतीय विकेटकीपर द्वारा संयुक्त रूप से सबसे अधिक शतक लगाए हैं। अब वो टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी दिखेंगे। तो यहाँ पर मोहम्मद कैफ का मानना है कि ऋषभ पंत जो है रोहित शर्मा को टेस्ट में एज ए कैप्टन रिप्लेस कर सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।